हेलो 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 हेलो। तो कैसे सब लोग, एक बार फिर यार वापस आ चुका नए वीडियो के साथ। एंड दिस टाइम यार हम कोई ट्रेन या ड्राइव नहीं करेंगे इस बारी, और इस बार हम बेसिकली बात करेंगे कुछ रिगार्डिंग सम MSTS के, मतलब कि क्वेरीज के, जो कि वन ऑफ द मोस्ट जो फ्रीक्वेंट क्वेरीज आती है सब पर्सन को, सब मतलब जितने भी MSTS जितने भी प्लेयर्स है वो होती है उनकी साउंड मेकिंग के रिगार्डिंग। साउंड मेकिंग के रिगार्डिंग सिर्फ इतना नहीं कि मैं सिर्फ आज के वीडियो में सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपको सिर्फ साउंड कैसे मतलब कि बेसिकली बनाना है, या फिर बेसिकली किस तरीके से हॉर्न्स हॉर्न्स वगैरह बना सकता है, सिर्फ उतना ही नहीं। आज बेसिकली कुछ जो मेरे पास मतलब कि एक्चुअल में कमेंट्स आए हैं, फिर जो मतलब कि मैं खुद एनालाइज करता हूँ मतलब कि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग कि उनको मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके बेसिस के ऊपर मतलब कि उनके मैं सॉल्यूशंस निकालता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हमारा उस तरीके से ये मैंने अभी बेसिकली यहाँ पे आपको बेसिकली ओपन करके दिखाया। तो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब कि पहला जो क्वेश्चन है, मतलब दिक्कत आती है MSTS के प्लेयर को साउंड वर्क के रिगार्डिंग, वो ये होती है हाउ टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द साउंड इन MSTS। देखो कभी कभार मतलब कि होता ये है कि या तो देखो कभी कभार होता है कि हम बेसिकली कोई हॉर्न वगैरह का यूज़ करते हैं, या फिर कोई ट्रैक साउंड्स का भी जब हम बेसिकली यूज़ करते हैं ना अपने बेसिकली ट्रेन वगैरह के अंदर या फिर इन सब चीज़ों के अंदर, तो उसमें बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे बेसिकली हमारे जो साउंड्स होते हैं वो जब उनकी जो वेव फाइल होती है वो तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मतलब काफ़ी सही मतलब के तरीके से बनी होती है, उनकी मतलब की फ्रीक्वेंसी वगैरह वो सब सही होती है, लेकिन जब हम उनके अंदर ओपननेस के जब उन्हें बेसिकली हम प्ले करते हैं तो उसके अंदर मतलब कि वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, मतलब साउंड थोड़ी सी कम आती है। तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, देखो उसका बहुत ही सिंपल आसान सा सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी मैं लेके चलता हूँ आपको बेसिकली अपने ट्रेन सिमुलेटर के बेसिकली फोल्डर के अंदर। ये मेरे ट्रेन सिमुलेटर का फोल्डर है, ये मेरे ट्रेन्स का, ठीक है, और ये रहा बेसिकली ट्रेन सेट का। फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरा मतलब कि मान लेते हैं BRC वेब 7 है, ठीक है, और ये सबसे पहली चीज़ तो आपको मैं पहली वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कुछ कुछ पार्टों के अंदर कि हम क्या क्या करना है कि हमें ENG फाइल को नोटपैड के अंदर ओपन करना है। तो नोटपैड के अंदर इसके अंदर हमने खोला और इसके जो मतलब कि जो साउंड फाइल है वो हमें बेसिकली ढूंढनी है, जो कि अभी हमें देखो ये इसकी मतलब कि साउंड फाइल है जो कि common.khandesh वेब 7 साउंड का बेसिकली फोल्डर है, उस वेब से और उसके अंदर बेसिकली वेब 7 brc.sms फाइल है। उस SMS फाइल को फिर हमें खोजना है, तो यहाँ पे बेसिकली common.khandesh था, तो उसके अंदर बेसिकली फटाफट से चलते हैं common.khandesh के अंदर। जैसे ही मैंने बात किया कि वे वेब 7 साउंड है और इसके अंदर बेसिकली वेब 7 brc का ये SMS फाइल, इसको भी आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि आपको SMS नोट पैड के अंदर ओपन करना है, ये एक बेसिकली SMS फाइल है। तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल होता ये है कि यहाँ पे आपको बेसिकली चलता हूँ, तो फॉर एग्जांपल आपका ये है, ठीक है, ये गाजियाबाद का वेब 5.wav है और यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे हो कि दिस स्ट्रीम एट विद अलाउज द हॉर्न टू बी प्लेड एट द सेम टाइम। तो ये इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मतलब कि यहाँ पे ये एक हॉर्न हो गया, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम क्या आती है लोगों को मतलब कि हम किस तरीके से उसको इंक्रीज कर सके, वॉल्यूम को कैसे पढ़ा गया, बहुत ही सिंपल है यार, यहीं पर ही हमारे पास इसका सॉल्यूशन दे रखा है। वॉल्यूम यहाँ पे लिखा भी पड़ा है कि 2.0 करके कुछ समथिंग इसकी वैल्यू है। आपको अब क्या होता है कि कभी कभार मतलब कि लगता है कि यार वैल्यू मतलब कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मतलब कि कम है, ठीक है, तो आप उसको बेसिकली 2 है तो फॉर एग्जांपल बहुत कम है तो आप इसको 5 कर सकते हो, 5 करके देखो उसके बाद फिर टेस्ट करके देखो, ठीक है, तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ मतलब कि चेंजेस आए हैं, यस अगर काम कर गया सही तरीके से या फिर ज़्यादा हो गई मतलब कि उसकी साउंड, तो आप उसको कम भी कर सकते हो, इसको बेसिकली रिड्यूस करके 3 कर सकते हो या फिर बेसिकली इसको 3.5 कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पे करा एडजस्ट करके टेस्ट करके देख सकते हो। तो ये एक बेसिकली वन ऑफ द बेसिकली बेसिक क्वेश्चन रहता है। पर चलते हैं AC राजधानी, फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली आपके साउंड है, अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है उसे ओपन ओपन होने में, आई थिंक कुछ दिक्कत है या नहीं, बिल्कुल। तो ये मान लेते हैं मतलब कि ये सारे टेक्स्ट साउंड्स है और ये इसकी मतलब कि मान लेते हैं कि वो है, ठीक है, तो हमें ऐसे मतलब कि इसकी मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज करनी है। तो ये रही इसकी वैल्यू, वॉल्यूम 1 दे रखी है, इसी तरीके से आप इसको 2 कर सकते हो, अगर आपको कम लगती है उसके मतलब कि ट्रैक साउंड वगैरह की वैल्यू, तो इस तरीके से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाउ टू मेक अप विद द साउंड्स ओनली फॉर ट्रैक चेंज और बेसिकली ट्रैक स्विच। यार एक्चुअल में अभी तक मैं इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल पाया हूँ। तो एक भाई थे, उन्होंने भी मतलब कि नितेश नाम था उनसे पहले, उनके बाद भी एक भाई थे जिनका नाम था जय नाम, उन्होंने मतलब कि मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट करा था, उन्होंने पूछा भी था, तो यार इसके रिगार्डिंग यार अभी तक सॉल्यूशन नहीं मिला, सॉरी ब्रो, बट मैं जल्द से जल्द मतलब कि उनको मिलेगा सॉल्यूशन। तो मैं फर्स्ट सीस यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ टू प्लेस आर्ट पे द हाउ टू यूज एंड अभी द प्लेस आर्ट पे द डिफरेंट हॉर्न्स और सेंडर इन केस ऑफ आर्ट पे द बेसिकली वैन देर इज आर पे द नो साउंड इन द सेंटर इन लोको। अब होता है कि कभी कभार एक्चुअल में मतलब हमारे पास क्या होता है कि जब हम बेसिकली कोई भी लोकोमोटिव जब हम रन करते हैं तो उसके पास हमारे पास तीन हॉर्न्स अवेलेबल होते हैं, एक होता है जो एच से प्ले होता है, एक होता है बी से और एक होता है हमारे पास सेंटर, है ना, बेल हॉर्न और सेंटर करते हैं, तो बेसिकली साउंड उसके मतलब कि प्ले नहीं होती। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि दिक्कत आपकी ब्रॉडगेज प्रोडक्शन के लोकोस में ही आती है ये दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हो कि देखो नॉर्मल जो मतलब कि आपके बेसिक
बेसिकली जो लोकोमोटिव होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नॉर्मल एमएसटीएस वाले, उसके अंदर आपको ये फाइल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है बीआरसी, बेसिकली आपका वेब 7, ठीक है। इसके पहले तो आप एसएमएस फाइल ढूंढो, फॉर एग्जांपल इसी में ही है इसकी एसएमएस फाइल, ठीक है। अब मेरे को पहले देखनी पड़ेगी इसकी एसएमएस फाइल्स के अंदर, तो फटाफट से मैं देख लेता हूँ। आप लोग ऐसे इस तरीके से मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चेक करिए, common.khandesh के अंदर वेब 7 को फिर दोबारा से वही फोल्डर, फिर वहाँ पे जाके तो वही फिर दोबारा जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली खानदेश के अंदर गए, वेब 7 का साउंड गेरा, वेब 7 का वही वाला, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 3 हॉर्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं नीचे लेके चलूँ आपको, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है गाजियाबाद का वेब 5, ठीक है। ये आपका बेसिकली हो गया हॉर्न, इसके नीचे होगा बेसिकली आपका बेल, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो सेम गाजियाबाद का वेब 5, अच्छा दोनों का सेम ही डाला होगा क्या, और ये रहा दिस अलाउड रखे थे सेंटर। तो आपको करना क्या है कि पहली चीज़ तो यहाँ से लेकर देखो, यहाँ पे इसके मतलब कि ब्रैकेट क्लोज है, ये बेसिकली एक्चुअल में अलग तरीके से मतलब कि इसकी पूरी है। तो यहाँ से बेसिकली आपको पूरा का पूरा सेंटर वाला पार्ट जो है ना, यहाँ तक का नेक्स्ट साइन से पहले तक का, वहाँ तक का बेसिकली कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लो, और उसके बाद आपको अपने मतलब कि वो वाली एसएमएस फाइल खोलनी है उस लोकोमोटिव की, जिसके अंदर ये सेंटर वाली मतलब कि आप साउंड डालनी है, कि मतलब कि यार मैं जब सेंटर भी मतलब कि बेसिकली प्रेस करूं तो मतलब कि उस तरीके से मेरा साउंड आए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ड्रॉर्जर्स प्रोडक्शन के लोकोमोटिव्स होते हैं, उसी में ही जा सकता मतलब कि प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल ये लोकोमोटिव है, ठीक है। अब इसकी मेरे को पहले वही देखनी पड़ेगी कि यार इसकी साउंड फाइल किधर है, ठीक है। तो वो उसको मैं फटाफट से बेसिकली ढूंढता हूं। तो यहां पे करना क्या है कि ये देखो, यहां पे एक तो हो गया आपकी बेसिकली एक मिनट, हाँ यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो फटाफट से हमें हॉर्न वगैरह की फाइल मिल जाएगी, इसके अंदर काफ़ी सारी साउंड। हाँ तो ये देखो, यहाँ पे बेसिकली दे रखा है कि ये वाली जो फाइल है ना हॉर्न एचटी, ये तो कि मेरी हॉर्न हो गया, और दूसरा वाला आईटी हो गया बेसिकली आपका बेल हो गया। आपको तीसरा ऐड करना है, यहाँ पे बेसिकली स्पेस डालो, और स्पेस डालने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो, बस नथिंग। कुछ इतना मतलब कि ऐसा कुछ काम ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं मतलब कि उस तरीके से। और ये मतलब कि इस तरीके से आपका इस तरीके से डल भी जाएगा उस तरीके से। हाँ, ये वेव फाइल का ध्यान रखना कि वेव फाइल जो है इसके अंदर ही होनी चाहिए, वो चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आपका बेसिकली एक और मतलब कि मेरे भाई थे, उन्होंने मतलब कि बेसिकली पूछा था मैंने कि हम हाउ टू प्लेस आउट पे द साउंड फॉर आउट पे द ब्रिजेस क्रॉसिंग्स और एडिट इन द स्टेशन हाउस। पर देखो इसके अंदर सबसे बहुत ही मतलब कि आसान तरीका, बहुत ही इसके अंदर आपको सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है कि ये रूट की रिगार्डिंग है। तो रूट के अंदर बेसिकली हम बेसिकली जाएंगे, और उसके अंदर हम जाकर बेसिकली देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है कौन सा वाला, उस तरीके से मान के चलो खानदेश, मतलब कि आपका CRKR के अंदर ही बेसिकली एडिटिंग करते हैं। दो फाइल है, एक होगी आपकी बेसिकली कौन सी, ये वाली टी टाइप, और दूसरी होगी बेसिकली एस सोर्स। ये दोनों को आपको बेसिकली नोट पैड के अंदर फिर दोबारा से ओपन करना है, मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको नोट पैड के रिगार्डिंग ही ओपन करनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ कि आप बेसिकली के अंदर तो बेसिकली आपको जैसे कि ये तो दे रखा है डिफॉल्ट IR ट्रैक आउट पर default.sms, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये ट्रैक साउंड्स है, मतलब कि जो हम फाइव जो हम बेसिकली प्रेस करते हैं उस टाइम पे बेसिकली जो ट्रैक साउंड्स आती है ना, वो मतलब कि ये वाली साउंड्स मतलब कि उस तरीके से आती है। और उसके बाद यहाँ पे दे रखी होगी यहाँ पे क्रॉसिंग आउट पर द प्लेटफॉर्म की है, ये डली हुई है। फिर उसके बाद वुड एंड ब्रिज की है, ठीक है। फिर ग्रेटर ब्रिज की है, कंसेप्टेड ब्रिज की है, ये सारी की सारी मतलब कि आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और इसकी लोकेशन क्या क्या है कि ये .sms, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो साउंड फोल्डर है ना, इसके अंदर ये सारी की सारी इनकी यहाँ पे डली होगी। अभी थोड़ा सा लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो वेट करते हैं। हाँ तो ये इस तरीके से आ गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉन्सेंट्रेट बेस के लिए SMS फाइल, ठीक है। मेरे पास साइड में अगर पॉसिबल होता तो वो शो भी कर देता, बट यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि ये SMS फाइल ही है, ठीक है। और इसके अंदर इसकी साउंड डली हुई है, तो यहाँ पे आप जाकर बेसिकली अगर साउंड नहीं डली हुई या फिर ऐसी सोई साउंड डली हुई है जो कि इसके अंदर है ही नहीं, तो आप बेसिकली किसी और से मतलब कि आप खुद बनाकर उस तरीके से इसके अंदर प्लेस वगैरह कर सकते हो, या फिर उसी साउंड के अंदर आपको एडिटिंग वगैरह करनी है, या फिर लगता है कि यार नहीं यार वो मज़ा नहीं आता साउंड वगैरह के अंदर, ब्रिज कम बेसिकली क्रॉसिंग वगैरह करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आती है आपकी बेसिकली प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग, तो ये भी मतलब कि आपकी जो एस सोर्स है ये वाली फाइल, इसके अंदर आपकी प्लेटफॉर्म की साउंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख रहे हैं ये दौंद है, ठीक है। तो दौंद की जब बेसिकली आपका आउटर जब पहुंचेगा तो .sms पे क्या क्या साउंड्स आएगी, बर्ड्स की साउंड आप ऐड कर सकते हो, स्पैरो है, ठीक है, कोपरगांव जैसे स्टेशन है, भोपाल है, कल्याण है, नासिक है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से रखी है, छोटे मोटे टाउन की जैसे कि अलग तरीके है स्मॉल टाउन, ये सारे के सारे टाउन। तो आपको बेसिकली उन्हीं फिर दोबारा से साउंड जाना है, और वहाँ पे जाके फिर दोबारा से जैसे कि भोपाल है, इसके अंदर बेसिकली वो सारी की सारी साउंड फाइल ही मतलब कि उस तरीके से दे रखी होगी, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन सी मतलब कि वेव डली हुई है, उस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि
भोपाल डॉट बेसिकली पे द वेव, इसका मतलब ये है कि भोपाल जब स्टेशन आता है तो उसके ऊपर आपको अनाउंसमेंट क्या सुनने को मिलेगी, तो वहाँ पे बेसिकली आप ये वो भोपाल की साउंड प्ले करके भी मैं दिखा देता हूँ ये। इसको फॉर एग्जांपल आपको एडिटिंग करनी है कि आप चाह रहे हो कि यार मेरे मतलब कि यार गेम प्ले के अंदर थोड़ा सा मतलब उस तरीके से आए, या फिर मैं रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ तो यार उस तरीके से मेरे को थोड़ा और बेटरमेंट मिले, ठीक है, या फिर मैं खुद की अपनी बेसिकली साउंड वगैरह बना के इसके अंदर मतलब कि चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ, ठीक है। तीन चीज़ों के रिगार्डिंग ध्यान रखना इस चीज़ के रिगार्डिंग, एक तो इसका टी बेसिकली टी टाइप और बेसिकली एस सोर्स, और दूसरी एसएमएस और उसकी मतलब की वेव फाइल, ये तीन चीज़ें मतलब कि आपके साउंड के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ये एक बेसिकली इसका सॉल्यूशन, यहाँ पर आपको मैंने ये चीज़ बता दी है। फिर आती है बेसिकली हाउ टू मेक अ हॉर्न। देखो हाउ टू मेक अ हॉर्न के लिए मैंने ऑलरेडी मतलब कि यार वीडियो बना दिया है, जिन बहुत भाई लोग मतलब कि इसके रिकॉर्डिंग कमेंट करते हैं फिर पूछते हैं, तो यार मैं मतलब कि ऊपर मतलब कि एक आई टैब मतलब यारों को वहाँ पे बेसिकली चेकआउट कर सकते हो, या फिर चैनल के ऊपर जाकर मतलब कि वॉचआउट कर सकते हो हाउ टू मेक अ हॉर्न, जिसके अंदर मैंने पार्ट टू और पार्ट वन दोनों के अंदर मतलब उस तरीके से बताया। और इसी तरीके से ट्रैक साउंड्स का भी है, जैसे कि हॉर्न का बनता है वैसे ही बेसिकली आपका ट्रैक साउंड्स का भी सिमिलर ही प्रोसीजर रहता है, कोई इतना डिफिकल्टी वगैरह नहीं रहती, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। बाकी और भी अगर कोई तुम्हारे मतलब क्या क्वेश्चंस वगैरह तो मेरे को कमेंट करो, कमेंट के जरिए मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा, या फिर मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, shack2002 आईडी है, वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो करो, वहाँ पे मतलब कि फॉलो करो या ना करो मत मतलब कि मेरे को मैसेज जरूर कर दो, ताकि मैं बेसिकली आपके मतलब कि मैसेजेस का रिप्लाई टाइमली तरीके से कर सकूं। और इन फ्यूचर मैं मतलब कि सोच रहा हूँ कि उस तरीके से मतलब कि जो भी एक्टिविटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइम प्लेसमेंट या फिर टाइम वगैरह, जैसे हम चाहते हैं ना कि मतलब टाइम वगैरह के अंदर थोड़ी सी चेंजेस वगैरह आए, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि यार जो मतलब MSTS कैलकुलेटर होता है जो हम एक्टिविटी जो टूल्स एंड एटर के थ्रू मतलब कि बनाते हैं, उसका टाइम थोड़ा सा मैच आउट नहीं करता हमारे जो मतलब कि एक्चुअल में जो हम क्योंकि जो एक्चुअल मतलब ट्रेन चलती है रन करती है उस टाइम के ऊपर उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए मेरे पास मतलब कि फनी मतलब कि अपना जो है टाइम वगैरह सेट आउट वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और इसका भी मतलब कि इन फ्यूचर मैं पूरी तरीके से सॉल्यूशंस वगैरह आपको बताऊंगा एक्टिविटी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स। अभी के लिए मतलब कि यार इतनी मतलब कि इस तरीके से रखते हैं, ठीक है, और इस मतलब कि वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मिलता हूँ आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी मतलब कि कोई नई प्रॉब्लम्स अराइज करती हो तो वो मेरे को पता है कि बताना। होप मैंने जो है कि ज़्यादातर डाउट्स इसके साउंड मेकिंग के रिगार्डिंग इसके अंदर वीडियो के अंदर कवर कर दिए होंगे। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय and take care.